गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। अब हम निकल रहे हैं चोपटा के ट्रैक के लिए। यहाँ से है नियर अबाउट 40 किलोमीटर, और ये जो जगह है ये है सियालचौर। बहुत कम लोगों ने सुना है, छोटी सी ही जगह, छोटा सा गांव है, वहीं ये जीएमवीएन का रिजॉर्ट है। जरा जमगी इस पे, फिर इसको रखना पड़ेगा बंद करके, इसको बंद करके ब्लोअर ऑन कर दे। ना ना, इतना गर्म होगा तब होगा, अगर मान लीजिए कम गर्म पानी डाल। हो गया, अब ठीक हो गया। हम रुक गए हैं रास्ते में, सामान लेना था कन्फेक्शनरी से। व्यू है फर्स्ट क्लास एकदम, और जितनी भी हिमालय रेंज है यहाँ से हर जगह से मोस्टली दिखती ही दिखती है ये रेंज। इस जगह का क्या नाम है इसका? ये ओखीमठ में आता है, ये ओखीमठ में आता है, ओखीमठ की माना। अच्छा, पहुंच गए हम चोपटा फाइनली, और अब यहाँ लगाते हैं गाड़ी। पहले करना ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम करेंगे ट्रैक स्टार्ट अपना। पराठा हमने मंगा लिया आलू का, ये है पराठा 50 रुपये, 50 रुपये का एक पराठा आलू का। अरे पहाड़ों में तो ठीक है, रेंट पे ना शूज़ भी मिलते हैं वहाँ रखे हुए। चलो यहाँ से हो गया हमारा ट्रैक स्टार्ट। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हो गई है ट्रैकिंग स्टार्ट। चढ़ाई इसके लिए बोल रहा तू? हाँ, अच्छा, बस यही थोड़ी सी है, उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा, और जब धूप आएगी तब तो और मजा आएगा। ये जो आइस है भाई, ये थोड़ा सा स्लिप करने का, पैर टिकाने के बाद ही अगला कदम बढ़ाना। हाँ, जमी हुई काफी बढ़िया, बर्फ पिघल गई है थोड़ी बहुत, है अभी बर्फ यहाँ सारा। काफी पेड़ बुरास के यहाँ पे, ये रेड कलर का फूल होता है ना, इसका जूस भी बनता है, हार्ट के लिए काफी अच्छा बोलते हैं इसको। अभी जाते हुए लेंगे घर के लिए, जूस ले जाएंगे। मैं माल्टे का लूंगा, हमारे तो गढ़वालियों का फेवरेट मतलब समर ड्रिंक वही रहता है। रुआस का लेकर रख लेते हैं, खराब भी नहीं ज़्यादा दिखता है। लिया है शॉर्टकट, थोड़ा सा खतरनाक है वहाँ जाना ऊपर। यार यहाँ स्पाइक्स पहन लेनी चाहिए थी भाई। दस किलो के बैग के साथ तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ट्रैक, सांस फूल रही है। अब काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी हो रहा है, फिसलने का डर है, और लोग स्लिप भी हो रहे हैं। हम अपने साथ लाए थे स्पाइक्स, हम इनको पहन लेंगे तब थोड़ा इजी हो जाएगा। अब स्पाइक्स लगाने के बाद काफ़ी इजी लग रहा है, अब थोड़ा डर खत्म हो रहा है फिसलने का। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस ये थोड़ा सा रह गया, पहुँच गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः। यहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल जिसके कपाट है बंद, इधर है भैरव बाबा का मंदिर जो कि ये रहा, बट मैं अभी इधर जा नहीं रहा क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और मैं नंगे पैर आ रखा हूँ। पर चंचला की तरफ हम चलेंगे और ऊपर बढ़ेंगे यहाँ से। अब हमारा चंचला का हो गया ट्रैक स्टार्ट, और हमें पहुँचना है वहाँ पे। अब आए हैं तो जाएंगे तो ज़रूर, हार नहीं मानेंगे। घाटी का व्यू देख रहे हो आप लोग, एकदम मस्त, जन्नत कहेंगे से जन्नत। यहाँ पर हमने लिया है क्रेस्ट, इतना ऊँचा आने के बाद पंजाबी तड़का मिलते हुए नपी दे दो लाओ। यहाँ से या फिर यहाँ से? थोड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ा चढ़ाई है लेकिन सीधे जाएंगे यार। पर भाई ये बिल्कुल चढ़ाई है, शॉर्ट भी तो पड़ेगा यार। एक फ्रेंड से तू वो तो नीचे रुक गया चंचला के आधे ट्रैक में, क्योंकि उसको थोड़ी सी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे और उसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा तो रुक जाना बेटर है। फिलहाल मैं और मनीष जाएंगे वहाँ ऊपर, दो कदम और दूर पहुँच गए। जय भोलेनाथ। और 12,000 फीट के ऊपर आने के बाद
मैं चंचला टेम्पल और ये व्यू जो आप देख पा रहे हैं ये एक वर्दी था, ये ट्रैक करना है बहुत ही वर्दी लगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये व्यू आपको नीचे से नहीं मिलने वाला था जहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। फिलहाल मंदिर अभी बंद है क्योंकि कपाट पहले ही बंद हो जाते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे नीचे चल जाएंगे चोपटा की तरफ। ये है वो जगह जहाँ पे मैं आते हुए फिसला था और मुझे बहुत ध्यान से उतरना है यहाँ पे। बैठ के उतरूँ? चल गया, ठंड में लग गया, ये बर्फ है यहाँ, इसमें पैर मत। हाँ ऐसा लग रहा है मिट्टी है। हाँ, यहाँ पे पैर रखो इस पत्थर के ऊपर, हेड होके इस पैर पे आ जाओ। हाँ भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा स्लिपरी है, यहाँ से सीधे वहाँ जंप मारनी पड़ेगी। ये ना सीधे मिट्टी, उतरना भी आसान नहीं लग रहा यार, और अब तो वहाँ जाना नीचे। अब तो भूख भी बहुत तेज लग रही है, नीचे जाके कुछ खाएंगे, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब आप देख ही सकते हो व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, खासकर ट्रैवल व्लॉग्स बनाना। कल बैक टू बैक हमारे ट्रैक्स ही हो रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो जो इस चैनल पर नए आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अच्छा। ग्रेबियर्ड ट्रैवलर चैनल नेम। ओके आई विल सब्सक्राइब। आप कहां से आए हो? मुंबई। मुंबई से। मुंबई से। और फर्स्ट टाइम चोपटा? हां चोपटा फर्स्ट टाइम है। केदार ऑलरेडी, केदारनाथ ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुका हूं। ओके अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहां पे। अच्छा आप चंचला हुए हैं? चंद्रशिला नहीं, जवाब दे दिया मैंने ये अंदर। अच्छा यहां पे जवाब दे दिया? नहीं मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है? हां ट्रैकिंग पावर रहेगा हम आज ब्रीथने जैसा हो रहा है, मतलब आग पर जाऊंगा। नहीं नहीं अगर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मत करो, फायदा कुछ नहीं यार, वहाँ ज्यादा है एल्टीट्यूड। मैं यही बोल रहा हूं उनके एक भाई को हाइट का भी डर है उसमें। हाँ अगर इसके लिए हम लोग डिसीजन ले लिया कि नहीं अब नहीं जाना है। नहीं ठीक है ठीक है, शरीर गवाही ना दे तो ना करो। मैं भी पौने से वापस आ गया। फाइनली नीचे आ गए तुंगनाथ टेम्पल पे। अब सीधे 10 मिनट का ब्रेक लिया और हम सीधे वापस चोपटा की तरफ ट्रैक करते हुए। हमें 1.5 घंटा लग जाएगा तुमने में शॉट लेने के लिए। मेरे को उस बर्ड का, मोलल बर्ड का थोड़ा आगे आना पड़ रहा है। अब नीचे देखो जरा कितनी बर्फ़ है। ये है ये जो बर्ड दिख रही है आपको, ये मोलल बर्ड है। कोशिश करता हूँ पर ये भाग जाएगी। भाग गई, वहाँ पे जाना है। उतरी थैंक यू। हाँ आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे हैमस्टर घुस गया अंदर। ये पीछे की तरफ सनसेट होते हुए हम आधे रात आधे से ज़्यादा आ गए हैं, हार्डली अब 1 किलोमीटर भी नहीं रहा होगा। तो उतरते हैं जल्दी और फिर कुछ खाते हैं। तो हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ से हार्डली 200 मीटर रह गया होगा और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ एंड। तो ठीक है बने रहिए चैनल पे और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। क्या है बर्फ? अबे यार आगे स्लिपरी है तो फिर स्वाइक मारने पड़ेंगे। नहीं मैं आराम से चलूँगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।